नमस्कार आपण समस्तिंग घर रोसेकु बहुत बहुत स्वागत चलंतु घर आज मशरूम पॉप बनेबा ओ सेति पैं कोन कोन सब दरकार से गुडी को सब नोट डाउन करनियांतु। तो मशरूम पॉप बनाय पैं चलंतु प्रथमे आरो पेस्ट्री बनेबा। तो सेति पैं मय ठे किछि मैदा नै छि बे मैदा रे में 2 चम्मच बटर पकै देबा। बटर पकाई सारा पर बटर टाक बहुत भलसे हाथ में मिक्स करदे मैदा सहित जमीक जमार गोटा रही हाथ में भलसे मिक्स करदे। मिक्स कलापर ए कि पा पक अटा चकड़ी गोटे सॉफ्ट डो बनईदे। डोटा बन सारापर आपको 10 मिनिट रेस्ट हाँ छाड़ा और 10 मिनिट हो सारापर परे मुझे किसी अनसल्टेड बटर नहीं बटरटा बहुत ही हाथ में चकटिक डो टाइप बनई दे। तो आम जो डोटा बनई रखी थे एटा को गोटे स्क्वायर शीट रे रोल करदे। बेली सरलापर आ मझे आम एम बटर रखिद। बटर रखि सारापर आपको चारिपटू एम कवर करदे फोल्ड करी। चारिपट साइड रु कवर कर सला परे एथरे आउ टिके मैदा पके कि आको गोटे स्क्वायर शीट रे आउ थरे बेल दबा। हम माने रखिबे चारिपट साइड रु बेलिबे एमनि मझी रु खाली प्रेस करि बेलिबेनी। स्क्वायर सेट शीट रे बेलि सला परे आको एमदि फोल्ड कर दबा दुईपट साइड रु। एमदि फोल्ड कर सला परे एथि मु एमदि गोटे प्लास्टिक जरी नै आइ छि एबे जरी रे एटा को रैप कर दबा। जदि आपण पाखरे प्लास्टिक जरी ना आप नॉर्मल किसी कपड़ा रे आकु रैप करि परिबे। आ जरी रे सेटा को रैप कर सला परे एटा को आमे 20 मिनिट फ्रिज रे रखि देबा। फ्रिज रे एटा को 20 मिनिट रखि सला परे एटा टिके अनरैप करिबा ओ एथरे आउ टिके मैदा पकेई कि आकु गोटे स्क्वायर शीट रे आउ थरे रोल कर देबा। स्क्वायर शेप रे रोल कर सला परे एटा को आउ थरे फोल्ड करिबा ओ सेम प्रोसेस रही आकु से जरी रैप रे रैप करिके 20 मिनिट स्टोर करिया छाडिबा। ओ ई प्रोसेस को आउ दुई थरा एम रिपीट करिबा। चारि थरा टोटल रिपीट कर सला परे एटा को फ्रिज रु काढी कि एम धीरे धीरे प्रेस करि बेलिबा को स्टार्ट करिबा। एटा को एमती टिके बेली सरला परे आकु मझी रु गोटे छुरी साहाज्य रे काटि देबा जहा द्वारा कि आमको जो जो थिक शीटटा दरकार सेटा इजी हबो बेलिया पई। आ एबे हमको जति कि शीट दरकार आमे सेति कि शीट यूज करिबा बाकी सब शीट आमे फ्रिज रे सेंति रैप कर रखि देबा। फ्रिज रे एटा को आमे गोटे मास से एमती रैप कर रखि परिबा जेबे दरकार सेटा काढी कि यूज कर परिबा। आ जो शीटटा को एबे काटि कि रखि दिले सेटा गोटे पतला एमती गोटे थिक शीट बनेबा। एमती बेली की गोटे थिक शीट बन सारापर आपको गोटे पिज्जा कटर साहय कि गोटे छुरी साहय स्क्वायर शेप रे काटी दबा। एमती सब स्क्वायर शीट काटी सारापर चलते मशरूम स्टफिंग बनवा। तो मशरूम स्टफिंग बनवाई प्रथम ये गोटे पैन नहीं पैन पकेबा गोटे चमच तेल आ तेलटा टे गरम हो सारापर ए पकेबा टे जीरा और जीराटा को फुटा को छाड़दा। जीराटा टे फुटे सर एम गोटे काटिक रखी पिज पकेबा और पिज टे गोल्डन ब्राउन हो जाए 4-5 मिनिट भाजवा।
भी है जेटा देखंथ हमरा भल से भाजी हेसलानी एबे थरे हमें हाफ चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट पकेबा जदि आपन पाखै जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं आपन अदा रसुन को मध्य काटी की पकेई पारिबे प्याज सहित आ अदा रसुन पेस्ट को जस्ट टिके कसि दे सारला परे एबे थरे हमें गोटे टमाटर पकेबा आ टमाटर टाको टिके सॉफ्ट हो जाय कुक करबा टमाटर टा टिके सॉफ्ट हो सला परे एबे थरे हम टिके हळदी गुंडा पकेबा आ एबे स्वाद अनुसार टिके लुण पकेई देबा हळदी गुंडा लुण पके सला परे एबे थरे हम पकेबा गोटे चम्मच धनिया पाउडर आ जीरा पाउडर आ सब पाव मसाला पके सला परे एटा को जस्ट गोटे 2 मिनिट भल से कछि देबा मसला गुड़ी का भलसे कसी हो गला परे एबे थरे हम काटी के रखिथिया मशरूम बे पके देबा और मशरूम टाकू 5-6 मिनट भलसे कुक होबा को छाड़ीबा देखंतु हमर मशरूम रे स्टफिंग बनी गलानी पूरा अबे आको 10 मिनट हमें ठंडा हवा को टिके छाड़ देबा एबे जो हमें जो पेस्ट्री को कमी काटिक नहीं थे स्क्वायर शेप रे एबे जो मशरूम मसाला बने की नहीं गया इसलिए एबे सेटा को टिके टिके पके दबा सब पेस्ट्री ऊपर सब पेस्ट्री ऊपर पके सला परे आकु एमति फोल्ड कर दबा दुई पट साइड रु सेम प्रोसेस रे सब पेस्ट्री गुडी को फोल्ड कर दबा फोल्ड कला परे एबे एमती गोटे कंटा चम्मच सहाय रे चारिपट को एमती टिके प्रेस कर दबा जेमती कि जतले बेक हबो एटा खुली वनी मझिरु सब पेस्ट्री गुडी को एमती कंटा चम्मच रे हमें टिके सील कर दबा सब पेस्ट्री गुडी को फोल्ड कर सेला परे एबे टिके एठी मदी चम्मच खीरो नै छी खीरो रे एटा को ब्रश कर दबा आपण एठी खीरो जाकर रे घी मध्य नै पारिबे किमा अंडा मध्य यूज कर पारिबे सब पेस्ट्री को एमती ब्रश कर सला परे आकु ओवन रे मिनिमम 15 मिनट बेक करियो छाड़ देबा 140 डिग्री सेल्सियस रे आ एबे ए चारटी को हमें गैस स्टोव रे बेक करबा आकु मध्य टिके खीरे रे ब्रश कर देबा तो एठी म गोटे प्रेशर कुकर को प्रथम रु प्री हीट करि नै आइ छी एबे प्रेशर कुकर रे पूरा लिड बंद करि आकु 30 मिनट लो फ्लेम रे कुक हबा को छाडीबा प्रेशर कुकर रा व्हिसेल आ वार वायर मध्य काढि देबे जते बेले आकु बेक करिवे 30 मिनट हे सरला परे एटा को हम ओपन करिबा आ एटा 10 मिनट ठंडा हबा को छाड देबा एबे देखंतु हमर गैस रे आ ओवन ने बनि गला हमर पफ पेस्ट्री एटा हमर बे गैस रे बनि छी आ दुई पर साइड बहुत भल से गोल्डन ब्राउन हे छी आ क्रिस्पी मध्य हे छी खाली एतिक डिफरेंस हे छी एतरे एतिक लेयरिंग आसी नि जेमती ओवन रे लेयरिंग आस छी बट टेस्ट वाइज तीटा जक समान हे छी एबे देखों तो ओवन रे बनाई थी बा हम पेस्ट्रीटा बहुत सारा लेयरिंग आस छी आ बहुत ही फ्लेकी हे छी एटा खाइबा को बहुत ही टेस्टी बनि छी आपण रेसिपीटा को निश्चय घरे ट्राई करंतु बहुत ही सुपर क्रिस्पी पफ पेस्ट्री हमर बनी गला आपण रेसिपीटा को निश्चय घरे ट्राई करंतु आपण को ए मोर रेसिपी केमती लागिला मते कमेंट सेक्शन में जणांतु जदि आपण को मोय वीडियो डी भल लागी छी वीडियो को लाइक करंतु मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद।